होशंगाबाद में अब घर बैठे बैठे होंगे देवी प्रतिमाओं के दर्शन, क्योंकि आर्ट इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है नवरात्रि विशेष, जहां होंगे देवी प्रतिमाओं के उन अलग अलग स्वरूप के दर्शन। होशंगाबाद ब्यूरो चीफ अनिल यादव ने शहर के तमाम पांडालों पर पहुंचकर तमाम समितियों के लोगों से भी बात की और दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों से भी बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ समिति के सदस्यों ने कहा और क्या कुछ श्रद्धालुओं ने कहा, आइए सुनते हैं। नवरात्रि का माहौल होता है, वैसा माहौल तो है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की आस्था तो सभी के दिलों में है, तो रहेगी। तो क्या कह सकते हैं, कोरोना का डर कहीं ना कहीं है लोगों को? कोरोना का डर तो है, सभी के दिलों में कोरोना का डर तो है। तो देख सकते हैं आपके जिस तरीके से बताया गया है कि कोरोना का डर तो खैर लोगों के मन में और दिल में है, और श्रद्धालु भी लगभग लगभग कम ही मात्रा में पहुँच रहे हैं, और तमाम लोगों की यदि बात करी जाए तो लोग भी उतने उस तरीके से नहीं देखे जा सकते हैं। लगभग हम जितने पंडालों पर गए उतने पंडालों में गिने चुने श्रद्धालुओं को देखा जा रहा है। अगली और हम रुक करेंगे, जहां हम और भी समिति के लोगों से बात करेंगे, तमाम पंडालों में पहुंचेंगे, माता रानी के हम उन तमाम रूपों को, उन तमाम स्वरूपों को हम दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आर्ट इंडिया न्यूज़ पर। किस तरीके से माँ के दर्शन लोगों को हो पा रहे हैं? माँ के दर्शन के लिए शासन और प्रशासन के आदेशों का भी सम्मान कर रहे हैं हम, और भक्तों को भी निराश नहीं कर रहे हैं। नीचे वाली माता जी जो योग निंद्रा हैं, उनके लिए हमने एक बड़ा टीवी लगा दिया है, जो भक्तों को टीवी के माध्यम से माई के दर्शन कराते हैं। सामने आप देख रहे हैं माँ काली जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, और रोज़ आरती के पहले भक्तों के हाथ सैनिटाइजर से धुलाए जाते हैं और फेस मास्क बांटे जाते हैं। देख सकते हो कि किस तरीके से भक्तों की, हालांकि कह सकते हैं कोरोना काल में भक्तों की भीड़ तो खैर नहीं देखी जा सकती, मगर प्रशासन के द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइन, सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, और लगातार आप देख सकते हो मंदिर में सजावट हो रही है, और मंदिर माता महाकाली के तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं। मंदिर के नीचे एक विराजमान प्रतिमा और है, और निंद्रा देवी जो बता रहे हैं समिति के लोग, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार वो टीवी के पास दिखाया जाए। है इस तरीके से विशेष तिथियों पे और विशेष तिथियों पे लोगों को माँ के दर्शन होते हैं। हम वहीं जाके हम बताएंगे अपने आर्ट इंडिया के तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से माँ के दर्शन हो पा रहे हैं, और माँ का वही भव्य रूप और स्वाभाविक सरल रूप हम दिखाना चाहेंगे। हम देख रहे हैं जो माता महाकाली है, और इनके जस्ट ऊपर माँ भद्रकाली है, और उसके ऊपर महाकाली का यंत्र लगा हुआ है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में और देश में महाकाल के बाद महाकाल महादेव जी के जहाँ, और होशंगाबाद में माँ काली के मंदिर पे ये महाकाली का यंत्र बना हुआ है। आइए हम आपको नीचे माँ के दर्शन करें। तो समिति के सदस्य हमारे साथ है, बाकायदा साथ सहयोग दे रहे हैं, और हम ले चल रहे हैं हमारे कैमरामैन से कहना चाहेंगे आगे बढ़ा जाए और देखा जाए माता रानी का वो रूप भी, जिस रूप में माता रानी नीचे विराजमान है, अपने गुफा में विराजमान है धरातल पे। जैसा कि देखा जा रहा है कि समिति के सदस्य हमारे साथ हैं और बाकायदा बता रहे हैं कि ताली बजाइए, माँ अभी निंद्रा में है। ये माता महाकाली का योग निंद्रा वाला रूप है। इस मंदिर में ये विशेष तिथियों को ये माई की मूर्ति की दर्शन होते हैं, और जब भी हम माई की मूर्ति के दर्शन करते हैं तो मंदिर में आने के पहले ताली बजा के माई के मंदिर में प्रवेश करते हैं, और ये माई की योग निंद्रा का है, और योग निंद्रा का पूरी नवदुर्गा में सप्तशती में शुरू से लेके अंतिम अध्याय तक माँ योग निंद्रा का, जो काली जी का एक रूप है, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी अपनी योग निंद्रा के बल पे वशीभूत करके निंद्रा भंग कर लिया था, ऐसी माँ योग निंद्रा का ये मंदिर है। तो देख सकते हो हमारे साथ समिति के सदस्यों ने बताया कि यहाँ यदि माता के दर्शन करना हो तो ताली बजाकर माँ को जगाया जाता है, और उसके बाद माँ के दर्शन होते हैं। होशंगाबाद से आर्ट इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल यादव।